Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंची मुख्तार अंसारी से एम्बुलेंस और एम्बुलेंस का बाराबंकी कनेक्शन पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंचाया गया वह बाराबंकी की ही थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सरकारी होने के बावजूद भी एम्बुलेंस अनफिट थी और 3 सालों से इसका फिटनेस रिवेन्यू नहीं हुआ था। UP 41G2776 एम्बुलेंस का नंबर है जिसमें मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा लाया गया। यह सरकारी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी की निजी एम्बुलेंस की तरह बाराबंकी परिवहन विभाग से रजिस्टर्ड है। सरकारी एम्बुलेंस में मालिक के नाम से डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड हेल्थ लिखा हुआ है। एम्बुलेंस को 20 मई 2015 को खरीदा गया जिसकी फिटनेस 21 मई 2017 तक वैध थी। यानी मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा लाने वाली एम्बुलेंस को फिटनेस 3 साल पहले ही खत्म हो चुका था। यह अनफिट है जिसकी जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि बाराबंकी परिवहन विभाग में कुल 1662 रजिस्टर्ड एम्बुलेंसें हैं। इसमें 90 निजी एम्बुलेंस हैं, 105 एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी की रजिस्टर्ड है, 1467 एम्बुलेंस ऐसी है जो बाराबंकी परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है लेकिन अन्य जिलों में चल रही हैं। मुख्तार को लाने वाली एम्बुलेंस भी इन्हीं में से एक है जो बांदा CMO के अंदर में दौड़ती है। मुख्तार के निजी एम्बुलेंस के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो परिवहन विभाग ने जांच के बाद पाया कि 461 एम्बुलेंस अनफिट हो चुकी है लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में दौड़ रही है। अब परिवहन विभाग बाराबंकी CMO के जरिए उन जिलों को नोटिस भेज रहा है जहां यह अनफिट एम्बुलेंस दौड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक ही जिले में 1467 सरकारी एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन के पीछे बताया जा रहा है कि जब भी किसी योजना के तहत सरकार ज़्यादा संख्या में गाड़ियां खरीदती है तो उनका रजिस्ट्रेशन ऐसे ही कई जिलों में एक साथ करवाया जाता है। यह एम्बुलेंस भी पिछली सप्ताह सरकार के कार्यकाल में रजिस्टर्ड हुई थी। अब बात उस एम्बुलेंस की भी करते हैं जिससे यह पूरा मामला उजागर हुआ। रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट मुख्तार अंसारी जिस बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस से पहुंचा था उसको बाराबंकी पुलिस पंजाब से ले आई है। UP 41 87 171 नंबर की एम्बुलेंस बाराबंकी पुलिस की केस प्रॉपर्टी है और बाराबंकी पुलिस लाइन में खड़ी है। टेक्निकल जांच के लिए जब एम्बुलेंस खोली गई तो अंदर का हाल सवाल खड़ा करने वाला था। एम्बुलेंस के अंदर से कुछ दवाइयां मिली जो 2019 में एक्सपायर हो चुकी थी। मरीज के लेटने के लिए जो सीट थी वह जैक से टिकी थी तो वहीं दूसरी सीट की पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी बेहद पुराना मिला। 8 सालों में मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस 81,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुकी है। मुख्तार अंसारी की निजी एम्बुलेंस के इस सवाल पर खड़े होते हैं कि क्या यह एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी पंजाब में चल रहा था, कहीं पंजाब से बाराबंकी पहुंचने से पहले इसमें कोई बड़ा खेल तो नहीं किया गया। इस सवाल पर बाराबंकी SP से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि यह वही एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी पंजाब में इस्तेमाल कर रहा था। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ नहीं, टेक्निकल रिपोर्ट में आ चुकी है। इस एम्बुलेंस में एक तब्दीली की गई है और वो थी AC की। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस में AC लगी हुई थी जो गैर कानूनी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।